राधे राधे श्रीमद नारायण मित्रों। तो आज के वीडियो में हम आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और गुरु महा जी से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताने वाले हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का लक्ष्य क्या है, वो किस चीज़ के बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने एक वीडियो के दौरान खुद बताया है कि श्री ठाकुर जी महाराज ने उन्हें जन कल्याण करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है और वो ऐसे गौरी गोपाल आश्रम में जैसे वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। माँ में जन्नत होती है, माँ स्वयं साक्षात माँ जननी होती है, तो वो ऐसे वृद्ध माताएं हैं जो जिसके बेटे ने उसे रखने के लिए इनकार कर दिया है, उसे घर से बेदखल कर दिया है, ऐसे लोगों को श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जगह दिया है गौरी गोपाल आश्रम के नाम से, उस जगह को चला रहे हैं। तो ऐसा कलयुग में ऐसे बेटे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को जिन्होंने उसे जन्म दिया उन्हें ही इनकार कर रहे हैं रखने के लिए। ऐसे बेटों को सर माने चाहिए कि जिन माँ ने उसे लाड प्यार से प्यार किया उन्हें ही वो लोग घर से निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस गौरी गोपाल आश्रम संस्था को आप लोगों की सभी भक्तगणों की सहयोग से वो चला रहे हैं। सभी वृद्ध माताओं का दृश्य हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये वो जगह है जहाँ गौरी गोपाल आश्रम में सभी भक्तगण आते हैं, आप भक्तगणों की भीड़ को देख सकते हैं सभी। यही वो जगह है जहाँ श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बैठकर सभी भक्तगणों को जीवन जीने का असली राह बताते हैं, उनके मार्गों पर आप भी चलिए, आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो देखिए सभी माताओं की सेवाओं का दृश्य, महिलाओं को वृद्ध माताओं को किसी भी प्रकार के दुख कष्ट परेशानी नहीं है, उन लोगों के लिए बाकायदा बेड टीवी हर चीज़ की सेवा की जा रही है। तो आप भी अगर दान करते हो तो गौरी गोपाल आश्रम में ज़रूर दान कीजिएगा, आपके पैसों को जन कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सेवा संस्थान को चला रहे हैं। ये ऊपर गौरी गोपाल आश्रम में ऊपर की ओर वृद्ध माताओं की सेवा और नीचे की ओर रसोई घर है, इसके बाद आपको रसोई घर में भी ले जाएंगे। पहले आप वृद्ध माताओं का दर्शन कर लीजिए, महाराजों की सेवा के लिए बाकायदा उनके लिए भोजन लाई जाती है, उन्हें किन्हीं भी प्रकार की दुख कष्ट नहीं है। महाराज जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये सेवा संस्थान चला रहे हैं। मैं वृंदावन गया था गौरी गोपाल आश्रम में, वहाँ लगभग 200 में वृद्ध माताओं की सेवा चल रही है। यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा का पूरा ध्यान दिया जाता है। महाराज यहाँ जो ऊपर टीवी लगा यहीं पर श्री महाराज जी का प्रवचन को सुनते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दुख कष्ट परेशानी नहीं है। हम इन वृद्ध माताओं से पूछे, आप लोगों को किसी भी प्रकार की दुख कष्ट परेशानी तो नहीं है? उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर ठीक हैं, महाराज जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा से हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। इस वृद्ध माता ने हमें प्रसाद भी दिया ग्रहण करने के लिए, आप भी खा लीजिए। आप भी अगर गौरी गोपाल आश्रम जाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे यहाँ का
पूरा दृश्य आप जरूर देखना कि माताओं की सेवा कैसे होती है। तो चलिए नीचे, यही है गौरी गोपाल आश्रम का रसोई। यहाँ हजारों लोग भोजन करने आते हैं और गरीबों को निःशुल्क भोजन यहाँ दिया जाता है। यहाँ सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ भोजन मिलता है। आप किसी भी वक्त जाइए, आपको भोजन प्रसाद के रूप में ज़रूर मिलेगा। देखिए हजारों की भीड़ में यहाँ सभी को भोजन परोसा जा रहा है। यही है रसोई घर श्री अनंताचार्य जी महाराज। लगभग हजारों गरीब लोगों को यहाँ भोजन खिला रहे हैं। श्रीमन नारायण मित्रों, अगर आप भी वृंदावन जाए तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर जाइएगा। ये परिक्रमा मार्ग के पास ही श्री महाराज जी का गौरी गोपाल आश्रम है। यहाँ बहुत से संत है, लेकिन श्री अनंताचार्य जी महाराज ने एक वीडियो के दौरान बताया है कि श्री ठाकुर जी महाराज ने उन्हें लोगों का जन कल्याण करने के लिए, गरीब लोगों को खाना दिलाने के लिए, वृद्ध माताओं की सेवा के लिए उन्हें मुझे इस दास अनिरुद्ध को चुना है, ऐसा महाराज जी ने कहा है। ये जन कल्याण का कार्य में आप भी सहयोग कर सकते हैं। तो श्रीमन नारायण मित्रों, ये वो जगह है जहाँ पर श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज प्रतिदिन आते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ को आप देख सकते हैं। श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज उसी जगह पर बैठकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। श्रीमन नारायण मित्रों, ऐसे ही नॉलेज विन और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति रस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्रीमन नारायण।